नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ललितपुर के मेहरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम सिलावन में एक नई नवेली दुल्हन शादी का नाटक कर 1,00,000 रुपए और गहने लेकर फरार हो गई। 12 घंटे में घर में भी नहीं रुकी। मामला सिलावन के उस शख्स से जुड़ा है जो बिना अपराध के 20 साल सजा काट कर आया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। पिछले तिवारी पर SC ST एक्ट और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए झूठा फंसा दिया गया था, लेकिन न्यायालय में ऐसे कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिले थे, जिस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी। इस मामले में मीडिया की सुर्खियों में आया कि विष्णु तिवारी देख देश के बड़े चैनलों ने अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी थी, लेकिन धोखे और फ्रॉड में सारा खुलासा हो गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसको एक महिला जो है वो ठग कर चली गई। सरोवर नगरी नैनीताल के नगर पालिका अलमा कॉटेज के निचले हिस्से ऑक लॉन्च में हुए भूस्खलन का उपजिलाधिकारी नैनीताल राहुल शाह द्वारा राजस्व और वन विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया गया। बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते यहां पहाड़ से मलबे के साथ भारी भरकम पेड़ टूटकर आवासीय मकानों के आसपास आ गिरे हैं, जिससे वहां पर रह रहे लोग भयभीत हैं। वहीं नालों से मलबा हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नारायणबगड़ में शुक्रवार को पिंडर नदी में छलांग लगाने वाली 25 वर्षीय युवती का सोमवार को भी काफी खोजबीन के बाद कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस और SDRF का दस्ता पिंडर नदी के दोनों छोरों पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहा है। क्राइम ब्रांच और थाना देवबंद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साखर नहर पटरी पर सलीम खान नामक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसको लेकर अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP देहात सूरज कुमार राय ने बताया कि क्राइम ब्रांच और थाना देवबंद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साकर नहरी पटरी पर सलीम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसकी गाड़ी लूट ली गई थी। उस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना को अंजाम देने वाले दोनों शातिरों को, जिसका नाम साबिजुल सुल्तान बताया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 वैतमंचे, 315 बोर का और 1 खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस और बाइक मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार कांवड़िए घायल हो गए। पुलिस को सूचना दी गई तो एम्बुलेंस की मदद से घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों को इलाज के लिए भेजा गया है। सूचना पाकर SP देहात विद्यासागर भी जिला अस्पताल पहुंचकर घायल कवड़ियों का हालचाल जानने पहुंचे। मैनपुरी में दिनदहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हथियारों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से घायल है, जिनके पास से 10,00,000 रुपए और 2 तमंचा, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना दनाहा क्षेत्र के गांव घकरिया का बताया जा रहा है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और शिव भक्त कांवड़ ले चल रहे हैं। अपनी भक्ति से भोलेनाथ को खुश करने के लिए बम बम भोले के जयकारों से पूरा देश गुंजयमान है। भारत के सभी रोड कांवड़ियों को लेकर पूरी तरह से यहाँ व्यस्त चल रहे हैं। कुछ जगह विचलित करने वाली भी तस्वीर सामने आ रही है, तो वहीं देश की खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है। आपने देखा होगा कि हमेशा हिंदू मुस्लिम कट्टरता को लेकर खबरें दिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें अब ऐसी सामने आ रही हैं मेरठ से, जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग शिविर लगाए हुए हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कुछ शिव के जो भक्त हैं उनकी सेवा भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, युवा अपने शिव भक्ति की सेवा कर रहा है। ये मेरठ के सरधना से रेहान मलिक हैं, जिन्होंने एक संदेश दिया है जो नफरत फैला रहे हैं उनको। मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट प्रतियोगिताओं ने ताज का दीदार किया है। प्रतिभागियों ने ताज का दीदार किया है। भारत सहित 20 देशों की सुंदरियों ने ताजमहल का भ्रमण किया और ताज के साय में फोटो सेशन भी कराया। ताजमहल की सुंदरता को इन्होंने बेमिसाल बताया है।
फतेहपुर जिले में जमीनी मामले में न्यायालय मुकदमा दायर होने के बाद भी पुलिस और राजस्व टीम द्वारा विपक्षी लोगों से मिलकर पीड़ित के जमीन पर बनी बाउंड्री गिराकर जबरन कब्जा कराने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़ित ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर के बेहट कस्बे में एक नैनो कार में अचानक भीषण आग लग गई और कार धू धू कर चल गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने कस्बे वासियों की मदद से भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और कार में सवार तीन युवकों को बुरी तरह से जो झुलस गए थे उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को शिव नारायण सांस्कृतिक मंच और सामुदायिक सरोकार संस्था के मद्देनजर वृक्षारोपण किया गया, साथ ही साथ भूस्खलन क्षेत्र में वृक्षारोपण कर शिव मंदिरों में भजन संध्या का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कला मंच के सदस्यों ने सर्वप्रथम पूजा अर्चना करते हुए कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर और उसमें सटा हुआ भूस्खलन क्षेत्र में देवदार, आंवला, पदम, अमरूद, लीची, कचनार के पौधे लगाए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बोलेरो पिकअप वाहन पलट गया। बताया जा रहा है कि यह वाहन खचरों को लेकर जा रहा था, गंगोत्री की ओर यह जा रहा था और जहां पर भागीरथी नदी में जाने से बड़ी दुर्घटना होने से बच गए। मेरठ के सदरा थाना क्षेत्र के पोहली गांव में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की छानबीन में भी जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।